सब लवली पीपल, दिस इज मंजोत बैक विथ अनदर वीडियो। और आज की वीडियो रहनी है बैक लाइट मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो काफी डिफरेंट टाइप की बैक लाइट मॉडिफिकेशन आती है। पहले भी मैंने दो तीन तरह की बैक लाइट को मॉडिफाई किया है, लेकिन इस वाली थोड़ी डिफरेंट है। तो बैक लाइट को मॉडिफाई करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। आगे मैं वीडियो में बताता हूँ कि बैक लाइट किस तरीके से मॉडिफाई करनी है, किस तरीके की बैक लाइट है, कहाँ से परचेज करनी है। डायरेक्ट लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो और बाय कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम मॉडिफाई करने वाले हैं ब्रेक लाइट को, और ब्रेक लाइट में दिखा देता हूँ कि किस तरीके की आपको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं, एक इस तरीके की ब्रेक लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, एक और मैंने एलईडी वाली परचेज की है। तो दोनों की दोनों मैंने अमेजोन से परचेज की है। तो लुक बताना कौन सी अच्छी लग रही है, इस वाली की या इस वाली की। तो इस वाली वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करेंगे, अगली वाली वीडियो में इसको इंस्टॉल करेंगे, दोनों को दोनों इंस्टॉल करके मैं दिखा लूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर दूसरी वीडियो देखनी। तो इसके साथ ये कुछ एसेसरीज आई हैं, साथ में नट वगैरह आपको मिल जाएंगे साथ में इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैसी लुक निकल के आ रही है इस वाली की। तो देखने में बहुत ख़तरनाक लग रही है बैक साइड से देखो, और प्लास्टिक है पूरी बॉडी, और इसमें एलईडी नहीं है, इसमें नॉर्मल हैलोजन लगा हुआ है। और सिंपल तरीके से आपकी वायरिंग वगैरह हो जाएगी, तीन वायर का कनेक्शन है। तो जैसे सिंपल लाइट की वायरिंग रहती है वैसे की वैसी वायरिंग हो जाएगी। लुक काफ़ी प्यारी लग रही है, इस वाली की लुक मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी इस वाली से, लेकिन इसमें एलईडी है, इसमें हैलोजन है, तो ये थोड़ी सी इसमें कमी है। और ऊपर की तरफ लाइट आती है और यहाँ पे रेड कलर की रहती है, ब्लिंक करती है कैसे, मतलब सिंपल रहती है बाइक उसी तरीके से रहती है। तो इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपनी स्प्लेंडर में, तो इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आगे बताते हैं। तो चलिए, इससे पहले आपको दो नट देखने के लिए मिल जाएंगे इसी लाइट के अंदर, तो उनको आपको इसमें लगा देना है। तो दोनों नटों को लगाने के बाद पीछे की तरफ आपको पत्ती लगा के कस देना है इन नटों को, बस इस तरीके से नट लग जाएंगे और इस तरीके से आपको कस देना है और इस तरीके की लुक हो जाएगी। तो इसको मैं कस लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। मैंने इसको फिट कर लिया है, उसके बाद अपना जो रहता है मेन रहता है नंबर प्लेट का, तो उसको आपको दोनों नटों को ओपन कर लेना है। तो दोनों नटों को ओपन करने के बाद आपकी इसमें प्रॉपर फिट हो जाएगी। अगर आप इसमें नंबर प्लेट यूज़ नहीं करते तो आप इसको लगा सकते हो, अगर आप नंबर प्लेट यूज़ करते हो तो इसको साइड वगैरह में लगा सकते हो, पीछे की तरफ नहीं लगेगी। तो मैं साइड वगैरह में बता देता हूँ कि कैसी लुक निकल के आएगी। तो साइड में यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की लुक निकल के आएगी। तो साइड वगैरह में लगा सकते हो, तो मेरे केस में मैं नंबर प्लेट यूज़ नहीं कर रहा, इसको मैं लगा देता हूँ। ऑल राइट गाइज, देख सकते हैं फिट मैंने कर लिया। बैक साइड से लुक बताऊँ तो एक नंबर लुक निकल के आ रही है। अब देखो बैक साइड की लुक, तो बहुत ही गजब की लुक निकल के आ रही है, बिल्कुल जहर लुक निकल के आ रही है। साइडों से देखो क्या लुक निकल के आ रही है, लेकिन इसकी एक कमी मुझे लगी है, जो कि देख सकते हैं इसमें फिटिंग प्रॉपर नहीं आती। देखो तो एक नट नहीं लग रहा इसका, तो अगर तो आपको बड़े वाले नट यूज़ करने हैं तो इसमें यूज़ कर सकते हो, इसको हटा के डायरेक्टली फिर इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरी कमी इसमें ये लगी है कि इसका ये होल है, ये भी टेढ़ा है इसका, देख सकते हो, तो इसमें भी एक ही नट लग रहा है। तो मतलब दो कमियाँ दिखी मुझे इसमें, वो मैं आपको बता दी है इंस्टॉल करने से पहले। हो सकता है कि मेरे केस में वो सभी केसों में ना हो। और लुक देखो भाई, भयानक निकल के आ रही है बैक साइड से। तो देख सकते हैं तार है इसमें इतनी छोटी दी गई है, एक्स्ट्रा वायर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसी के बाद आपकी जो लाइट है वो इंस्टॉल होगी ऊपर वाली लाइटों में। तो मैं एक्स्ट्रा वायर को इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको ऑन करके कि कैसे लुक निकल के आती है। तो सबसे पहले सीट वगैरह ओपन कर लेते हैं। हेड पैनल को ओपन करने के बाद आपको 10 नंबर के नट मिल जाएंगे, राइट और लेफ्ट में दोनों को ओपन करने हैं। उसके बाद आपकी सीट है वो ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको वायरिंग वगैरह कर लेना। तो एक बार मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक्सटेंड कर ली है वायरिंग, देख सकते हैं नीचे, देख सकते हैं तीनों में अलग से लगा दी है। तो एक्सटेंड करनी है आपको वायर सबसे पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद आपको नीचे एक होल देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें से आपके जो भी तीनों वायर हैं इनको निकाल लेना है। तो मैं सबसे पहले इनमें से निकाल लेता हूँ, और अंदर अपनी ब्रेक लाइट है, जो बैक लाइट रहती है अपनी, उससे आपको इंस्टॉल करना है, जैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ब्रेक लाइट का स्विच देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसमें आपको वायरिंग का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कौन सी वायर में करंट आ रहा है और कौन सी पे ब्रेक लगने के बाद आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसमें लगा सकते हो। तो मेरे केस में मैं सिंपल लगा लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि ब्रेक ऑफ है, अभी पार्किंग ऑन मैंने कर, तो देख सकते हैं मेरी लाइट है जो ग्लो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें मतलब इसमें करंट आ रहा है, तो दूसरी में नहीं आ रहा, तो दूसरी मतलब ब्रेक की। तो देख सकते हैं मैंने वायरिंग वगैरह कर ली है इसकी, ठीक है। उसके बाद मैं ऑन करता हूँ, तो देख सकते हैं ब्रेक दबाता हूँ,
तो देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है ब्रेक दबने पे। और यहाँ से देख लगते हैं मैंने नीचे की तरफ से वायरिंग इसकी निकाल दी है और वायरिंग को एक्सटेंड करना पड़ा है। तो ये ऊपर की साइड इन्होंने लाइट दी है, पता नहीं क्यों दी है। चाहे तो ये इस तरीके से हो सकती है कि नंबर प्लेट के नीचे इंस्टॉल करो और ऊपर नंबर प्लेट लगा दो, तरीके से मतलब ऊपर लाइट जाएगी। तो बैक साइड की लुक दिखा देता हूँ कि बैक साइड से कैसी लग रही है। तो भाई बैक साइड से लुक बहुत शानदार लग रही है, देखो गजब की लुक निकल के आ रही है बैक साइड से। तो देख सकते हैं बहुत प्यारी लुक निकल के आ रही है बैक साइड से। अभी मैं बल्ब वगैरह बंद करता हूँ और नाइट में दिखाता हूँ कि कैसी लगती है। LEDs वगैरह बल्ब बंद कर दिए और देखो बिल्कुल नाइट हो चुकी है और देखो ब्राइटनेस LED की काफ़ी अच्छी है और ऊपर से देख सकते हो कैसी है और ऊपर से भी काफ़ी अच्छी है। तो आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पहली थी यार जो बैक लाइट मैंने मॉडिफाई की इस तरीके से, और पहले तो सिंपल रहती थी और कुछ ज़्यादा नहीं रहता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी एक लाइक कर देना, ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।